आजमगढ़ उपचुनाव हेतु पुलिस लाइन से 300 पुलिस कर्मियों के साथ 30 सब इंस्पेक्टर रवाना। भदोही से एक के फारूकी की रिपोर्ट। सपा के निवर्तमान सांसद अखिलेश यादव के आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद आने वाले 23 जून 2022 को आजमगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर भदोही जिले से पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। इसके लिए जनपद भदोही से 300 पुलिस कर्मियों व 30 सब इंस्पेक्टरों की टीम पुलिस लाइन में खड़ी अलग अलग बसों से सोमवार को रवाना कर दी गई है। आजमगढ़ में आगामी लोकसभा उपचुनाव आयोग द्वारा 23 जून 2022 मतगणना के 26 जून को ऐलान कर जारी दिया जा चुका है, जिसके लिए भदोही के प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है और कर्मचारी भी मतदान कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। प्रदेश में आजमगढ़ का उपचुनाव गुरुवार 23 जून 2022 को संपन्न होना है, जिसके लिए भदोही जनपद से बड़ी मात्रा में पुलिस बल रोडवेज की बसों के माध्यम से रवाना किया गया। पुलिस बल को रवाना करने से पहले पुलिस उपाधीक्षक राजेश भारती ने सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ एक बैठक की और उन्हें मतदान संबंधी उचित दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने इस लोकसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की हिदायत चुनाव ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस कर्मियों को दी। सोमवार को स्थानीय रिजर्व पुलिस लाइन से रोडवेज बसों के माध्यम से करीब 300 पुलिस कर्मियों व 30 सब इंस्पेक्टरों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। रवाना होने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को एएसपी राजेश भारती द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं पुलिस कर्मियों? देखिए, जनपद आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जनपद भदोही से 300 कांस्टेबल और 30 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। तो हमारे यहाँ से कुल 330 पुलिस कर्मी जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन कराने के लिए। आज उनके यहाँ से पुलिस लाइन में ब्रीफिंग के बाद उनको रवाना कर दिया गया था और इलेक्शन के बाद फिर 24 को वापस आ। भदोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंग सरगना सहित 5 अभियुक्त लूट की पिकअप एक बाइक के साथ गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से तमंचा व 11.30 किलो अवैध गांजा बरामद। भदोही जनपद के क्राइम ब्रांच और कोतवाली ज्ञानपुर पुलिस टीम की मदद से बड़ी कामयाबी मिली है। इलाके में लगातार हो रही लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने में जुटी पुलिस ने गैंग का भंडा फोड़ करते हुए लीडर समेत 5 बदमाशों में संजय कुमार यादव पुत्र हरिशंकर यादव, अजय कुमार पासी पुत्र स्वर्गीय राधेश्याम पासी, सूरज शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा, मुकेश कुमार सरोज पुत्र गुलाब चंद्र सरोज तथा सचिन भारतीय पुत्र पन्नालाल भारतीय समस्त निवासी गण गांव बिलारी जसवां थाना हंडिया जनपद प्रयागराज और पंकज शर्मा पुत्र स्वर्गीय रामचंद्र ग्राम जगतीपुर करियाव बाजार मोड़ भदोही रहमान जिम शहद ग्राम हंडिया से रविवार को शाम 15.45 गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से एक लूट की पिकअप एक अदद तमंचा लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अभियुक्तों के कब्जे से 11.30 किलो अवैध गांजा भी बरामद किया गया है। थाना ज्ञानपुर में झूला खान है 23 मई की रात को सुबह करीब 4:30 बजे 4 लोग उनके घर पे आए, उनके पास पिकअप है जो किराए पर चलाते थे। 4 लोग आए, उन्होंने कहा कि हमें भूसा लाना है। भूसा लाने के लिए उन्होंने एक दो बार पहले भी संपर्क किया था, उस दिन आए और उनको ड्राइवर भी मिल जाए और गाड़ी लेकर के मोटरसाइकिल से दूर आगे सिंहपुर पुड़िया के पास जो नहर रोड है उसको लोड़ कर ड्राइवर को गाड़ी रोके, उनके साथी वहाँ पहले से थे, उन्होंने गाड़ी रोका और ड्राइवर को धक्का मार करके तमंचा दिखा के उनकी पिकअप लेकर फरार हो गए। उसको मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें थाना ज्ञानपुर और स्वाट टीम इसमें बर्ताव किया गया इसके बाद, और उसमें 6 लोग पकड़े गए, जिसमें घटना करने के लिए पंकज शर्मा, मुकेश, सूरज और अजय, ये 4 लोग थे जो घटना के मौके पर थे, और सचिन और संजय ये लोग वहाँ नहर पुलिया पर थे। इन्होंने पिकअप छीन लिया, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत के बाद जो है पुलिस केस को बर्ताव किया, आगे इनके कब्जे से वो टीम मुझे पिकअप और मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, एक तमंचा और गांजा से बरामदगी हुई है। इनके अपराधी के इतिहास में कई मुकदमे के खिलाफ पंजीकृत है पहले से। बाकी जो अभियुक्त हैं जो इसमें जेल जा रहे हैं उनके भी मुकदमे उनके मुकदमे के बारे में जानकारी की जा रही है।
ये एक पंकज शर्मा जो है वो थाना भदोही का रहने वाला, शेष सभी थाना हंडिया क्षेत्र के निवासी, इनके खिलाफ जो है उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जो हमारी टीम ने इस काम को अच्छे ढंग से बताओ कि उनके लिए कुछ अच्छे ₹25,000 का इनाम। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।